नेक्स्ट रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, हमने करी थी अक्रूअल अजम्पशन, उसी का भाई अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे टेक प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। अक्रूअल अजम्पशन अप्लाइज ऑन एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, मतलब एवरीथिंग। रेवेन्यू रिकग्निशन एग्जैक्टली सेम बात कर रहा है, वो अजम्पशन थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, बट रेवेन्यू रिकग्निशन सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा है। कह रहा है इनकम कब रिकॉग्नाइज करी जाए, इनकम कब रिकॉग्नाइज करी जाए, कह रहा है व्हेन द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आपने काम कर दिया 1 फरवरी को, पैसे मिले 1 अप्रैल को, इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी, 1 फरवरी को या 1 अप्रैल को? सारा मैंने काम किया 1 फरवरी को, पैसे मिले 1 अप्रैल को, इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी, 1 फरवरी या अप्रैल? अप्रैल वेरी सैड, ये गलत होना बड़ा मुश्किल था। 1 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी, इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी मतलब आपने इनकम कब मानेंगे, व्हेन द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, दिस हैज बीन डन ओनली एंड ओनली 20 टाइम्स। वेरी सैड, इनकम कब रिकग्नाइज होगी, आप अपनी इनकम उसको कब मान रहे हैं? जब मैंने आपको बेसिक टर्म्स कराई तब मैंने ये वाली बात समझाई थी कि अगर काम कर दिया और पैसे नहीं मिले इनकम मानी जाएगी, उसको अक्रूड इनकम बोलते हैं। फिर जब अकाउंटिंग इक्वेशन करा तब दोबारा एक्सप्लेन करा कि काम कर दिया पैसे नहीं मिले तो भी उसी पीरियड की इनकम मानी जाएगी। फिर जब अक्रूअल अजम्पशन समझाया तब फिर ये बात आई थी, जर्नल आया तब फिर ये बात एक्सप्लेन हुई थी। तो अगर 1 फरवरी को आपने अपना काम कर दिया, राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। यू आर नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली, आंसर वॉज इनकरेक्ट। द रीजन इज द कॉन्सेप्ट आर नॉट बींग रिवाइज प्रॉपरली, दैट इज द ओनली रीजन। एप्लीकेशन भी इनकम ही है ना, इनकम ही है, इनकम ही है। मेरा क्वेश्चन अभी भी सेम है, इनकम कब रिकग्नाइज होगी, इनकम का मतलब इनकमिंग नहीं होता, ठीक है ना? इनकम मतलब आप अपनी इनकम कब मानेंगे, जब राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, आप अपना काम फरवरी में कर चुके थे तो फरवरी में इनकम मानी जाएगी। आई ले सो मच इंपॉर्टेंस और स्ट्रेस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप उसका फायदा तभी उठा पाएंगे जब आप उसको दिल से रिवाइज भी करें। सिर्फ सुनने के भरोसे बैठे हैं तो फिर नहीं, तो प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली। रेवेन्यू, अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट, राइट टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इट इज टू बी नोटेड दैट रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसीविंग द अमाउंट दे आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स। एग्जाम्पल, एन एंटरप्राइज सेल्स गुड्स इन फेब्रुअरी एंड रिसीव द अमाउंट इन अप्रैल, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, फेब्रुअरी। रेवेन्यू ऑफ दिस सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन फेब्रुअरी। एक और एग्जाम्पल, आपने मुझे एडवांस दे दिया फेब्रुअरी में कि सर बनाओ 50,000 यूनिट किसी भी चीज की, एडवांस दे दिया आपने फेब्रुअरी में, मैंने सामान डिलीवर करा अप्रैल में, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, फेब्रुअरी में या अप्रैल में? एडवांस मिल गया मुझे फेब्रुअरी में, सामान मैंने आपको डिलीवर करा अप्रैल में, 50,000 रुपए दिए थे आपने मुझे,
तो मैं रेवेन्यू, मैं इनकम कब रिकॉग्नाइज करूंगा राघव, फेब्रुअरी या अप्रैल? अप्रैल, फेब्रुअरी में सिर्फ एडवांस आया था। एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी नॉट एन इनकम। तो फेब्रुअरी में जो पैसे आपको मिले आप उसको इनकम नहीं, क्योंकि अभी लायबिलिटी है। राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड येट, ऑब्लिगेशन नहीं है अभी। सो फॉर एग्जाम्पल, एंटरप्राइज रिसीव्ड इन एडवांस इन फेब्रुअरी फॉर सेल्स टू बी मेड इन मे, रेवेन्यू शैल बी रिकग्नाइज इन मे अपॉन सेल्स हैविंग बीन मेड। तो जब सामान बिकेगा तब, जब सामान डिलीवर होगा तब इनकम मानी जाएगी। कोई डाउट? बट दिस वॉज जस्ट अ रेपिटेशन। क्या मैंने आपको कुछ भी नया बताया? दिस वॉज जस्ट अ रेपिटेशन सर। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ऐसे ही तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें अक्रूअल अजम्पशन लिखना है या रेवेन्यू रिकग्निशन लिखना है? तो जब वो सिर्फ इनकम की बात कर रहा है कि इनकम सेल्स, तो रेवेन्यू रिकग्निशन लिखना। अगर वो किसी एसेट पे सेम एग्जाम्पल की बात कर रहा है तो अक्रूअल अजम्पशन लिख देना। किसी का भाई या बहन, मैचिंग प्रिंसिपल, एग्जैक्टली सेम बात है। एग्जैक्टली सेम बात कैसे हो सकती है सर? एग्जैक्टली सेम लॉजिक। अक्रूअल अजम्पशन एक ब्रॉड कैटेगरी है, सब पे अप्लाई होता है। रेवेन्यू रिकग्निशन सिर्फ रेवेन्यू पे अप्लाई होता है। मैचिंग कॉस्ट सिर्फ एक्सपेंसेस पे अप्लाई होता है। मैचिंग कॉस्ट कहते हैं एक्सपेंसेस के बारे में कि उस पीरियड का एक्सपेंस किसे माना चाहिए। कह रहे जितना भी आपने उस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट करा, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी आपका खर्चा हुआ, मैचिंग प्रिंसिपल, जो भी आपने उस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट करा, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी खर्चा हुआ, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उस पीरियड का एक्सपेंस मान लिया जाएगा। बेसिकली एक्सपेंस के डेफिनेशन, द बेनिफिट विच गेट्स एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आप उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट कर चुके हो तभी रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। तो जो आप एक्सपेंस का बेनिफिट डिराइव कर चुके हो वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एम्प्लॉय से पूरे साल काम कराया लेकिन सैलरी सिर्फ 10 महीने की दी, 2 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, तो जो 2 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं क्या वो करंट पीरियड का एक्सपेंस मानी जाएंगी या नहीं? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है सर, वो तो अक्रूअल अजम्पशन भी कहता था। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्रूअल अजम्पशन, रेवेन्यू रिकग्निशन और मैचिंग कॉस्ट एक ही बात करते हैं, बट अक्रूअल अजम्पशन एक अजम्पशन है जो सब पे अप्लाई होती है। रेवेन्यू रिकग्निशन सिर्फ रेवेन्यू की बात करता है, मैचिंग कॉस्ट सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करता है। तो ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स है सेम चीज के लिए। मैचिंग कॉस्ट, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमिन प्रॉफिट पीरियोडिकली। तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस के लिए अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। उस पीरियड के कितने एक्सपेंसेस हैं वो एग्जैक्ट पता होंगे, उस पीरियड का रेवेन्यू कितना है एग्जैक्ट पता होगा, तो ही करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आ पाए। इट इज नेसेसरी टू मैच, मैचिंग प्रिंसिपल, मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। रेवेन्यू शुड बी मैच विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू, जो आपने पैसे कमाए उसको कमाने में आपका कितना खर्चा हुआ। इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट, पेमेंट कब हुई उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं हुई लेकिन बेनिफिट ले चुके हो तो आउटस्टैंडिंग करके दिखा दो। एडवांस में दे दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस लेकिन अभी बेनिफिट नहीं लिया तो क्या उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? नो, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है। कह रहा अभी तो बेनिफिट ही नहीं लिया मैंने। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस, तो देयरफॉर एज पर दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर ऑल द आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस पे फोकस करता है मैचिंग कॉस्ट, इनकम और रेवेन्यू पे फोकस करता है रेवेन्यू रिकग्निशन, अक्रूअल अजम्पशन सब पे फोकस करता है वो अजम्पशन। इन ब्रीफ, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यूज रादर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड।
कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होती, अक्रूअल बेसिस पे होती। दिस कॉन्सेप्ट शुड बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू हैव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग कॉस्ट इंटर रिलेटेड है, मतलब इंटर रिलेटेड इन द सेंस कि दो बहुत अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन दोनों सेम रूल पे बेस्ड है, अक्रूअल अजम्पशन पे बेस्ड है। रेवेन्यू सिर्फ इनकम की बात करता है, मैचिंग कॉस्ट सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करता है। क्लोजिंग स्टॉक हम दिखाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना किस वैल्यू पे दिखाना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस था। क्लोजिंग स्टॉक दिखाना मैचिंग कॉस्ट की वजह से होता है। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, आपने इस साल सामान खरीदा 10 लाख का, 1 लाख का अगर बच गया तो उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा के आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कह रहे जो सामान बिका ही नहीं, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ, तो उससे रिलेटेड खर्चा क्या उस पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए? जो सामान बिका ही नहीं तो क्या वो करंट पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए? कह रहे नहीं, ये स्टॉक है, इसको आगे ले चलो, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल का खर्चा माना जाएगा। मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल।